आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स नंबर। सो इंटीजर्स नंबर जो नेगेटिव में भी होते हैं और जो पॉजिटिव में होते हैं, सो उनका डिवीजन मतलब डिवाइड। ओके, सो दो माइनस रहेंगे, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, दो माइनस रहेंगे सो आंसर में माइनस नहीं आएगा, एक भी माइनस साइन पुट अप नहीं करना है, और एक माइनस रहेगा तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस टू है, राइट, फोर है, ओके, माइनस माइनस कर, टू वन जा, टू कब आता है, टू वन जा, एंड फोर कब आता है, टू टू जा, दो टू कट, एक ही ऊपर का नीचे कट हो गया, डिवाइड हो गया और वन अपॉन टू आ गया। बट यही चीज अगर टू अपॉन फोर रहती तो, और इसके अंदर एक माइनस होता तो आंसर में भी क्या आता, माइनस वन अपॉन टू। ओके, छोटा सा एग्जांपल था। अब देखते हैं हम लोग ये वाले सब, जिसके अंदर 96 दे के रखा है, 16 दे करके रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि बड़ा नंबर किसमें आता है, सबसे पहले इजी वे जो है इसका हम लोगों को सोचना है कि ये छोटा नंबर किसमें आता है। सो 16 जो है 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है, तो हम लोग सबसे बड़ा वाला वैल्यू पहले ट्राई करते हैं। सो 8 के टेबल में 16 आता है, हाँ आता है, 8 2 जा, अब 96 देखो 8 के टेबल में कब आता है, 8 1 जा 8, 1 कैरी 8 2 जा, सिंपली 96 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 1 आ गया ये 6। अब 8 के टेबल में 16 आता है, यस, 8 2 जा 16 और माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 0, सो कितना आ गया ये 12। सो यहां पर माइनस था तो एक ही माइनस है तो आंसर में भी माइनस आने वाला है, इसके लिए लिखेंगे 8 8 विल गेट कैंसिल, ऊपर बचा 12 और नीचे क्या बचा है 2। सो 12 और 2 कौन से सेम टेबल में आते हैं, 2 6 जा 12 और 2 कब आता है, 2 1 जा 2, तो 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल, ये माइनस है तो यहां पे भी आएगा, यानी माइनस 6 अपॉन 1 दैट इज माइनस 6। ओके, इजी है, तो एक और बार देखते हैं, ये डिवाइड में दिया था तो पहला नंबर ऊपर दूसरा नंबर नीचे, 96 और 16 कौन से सेम टेबल में आते हैं, ये नहीं सोचना है छोटा नंबर कौन से टेबल में आता है, तो छोटा नंबर 8 2 जा होता है, तो ये 8 2 जा हो गया तो 96 भी 8 के टेबल में ही आता होगा, इसके लिए वो ऊपर दे रखा है। सो 8 के टेबल में हम लोगों ने देखा डिवाइड करके कितना आया 12, सो 8 12 रह गया। अब ये एक ही माइनस है तो वो लास्ट तक के गए, ओके, 8 8 कैंसिल, 12 और 6 2 बचा है, सो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, 2 2 कैंसिल, 6 अपॉन 1 आया, नीचे के 1 की वैल्यू नहीं होती, बट ऐसा अगर 1 अपॉन 6 रहता तो उसकी वैल्यू होती थी। ओके, सिमिलरली ये वाला देखते हैं, अभी 98 ऊपर है और नीचे 28 है, तो हमें क्या देखना है, छोटा नंबर कौन से टेबल में आता है। सो छोटा नंबर जो 28 है वो 7 4 जा 28 रहता है, सो ये 98 को डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, 2 कैरी 7, 4 जा 28, ऐसे डिवाइड करके आपको चेक करो 14 जा आएगा। ओके, 7 7 विल गेट कैंसिल, 14 बचा और 4 बचा, नीचे माइनस भी है क्योंकि एक ही माइनस है तो वो एंडिंग तक के आएगा। 14 और 4 कौन से टेबल में आते हैं, 2 7 जा और 4 भी 2 2 जा, 2 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया माइनस 2। ओके, अगर इसको बीच में भी माइनस ले लिया तो भी चलेगा, आंसर राइट रहेगा कि नहीं, अगर मैं बीच में लिखूं तो यस, क्योंकि नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो वो पूरा क्या हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है। ओके, सो 51 एंड 68, अब ये दोनों भी बड़े नंबर है, अल्लाह अब क्या करो अभी मैं। सो सिंपल सी चीज है, आपको सोचना है कि दोनों में से आपको ध्यान में रहना चाहिए, या तो ऊपर वाला नंबर याद रहना चाहिए कौन से टेबल में आता है, या तो नीचे वाला। ओके, सो 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, एक बार चेक करते हैं, 17 इंटू 3, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, अब वैसे ही 17 4 जा चेक कर लो, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, तो ऐसे आपको टेबल जो है वो याद रखने पड़ेंगे अगर आपको मल्टीपल एंड डिवीजन जो है वो करना है तो।
So 17, 17 will get cancel. ऊपर का बच गया 3, नीचे का बच गया 4 और ऊपर माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब ये तीनों सम में एक सिमिलैरिटी थी, क्या सिमिलैरिटी थी? सबके पास एक ही नंबर के पास माइनस है तो सारे आंसर में माइनस आया। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखना है कि आपने साइन प्रॉपरली पुट किया है या नहीं। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके रिवर्स जाइए, वापस से प्ले करके उसको देखिए, ओके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई और भी मेथड हम लोग देखते हैं, या फिर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद के सम। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो थोड़े से चैलेंजिंग है, आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 38 डिवाइडेड बाय -57। सो 38 कौन से टेबल में आता है? सो 19 के टेबल में आता है। 19 2 38 और 19 3 57, नीचे एक माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 19 कैंसिल, ऊपर का 2 और नीचे का -3। समझ में आया? सिंपल। आइए सेकंड सॉल्व करते हैं इसके बाद वाला। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में, -85 डिवाइडेड बाय 20। सो नीचे हम लोग देख रहे हैं कि छोटा नंबर है तो हम लोग देखते हैं 20 किसके टेबल में आता है। सो 20 10 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो हम लोग 5 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ऊपर वाला भी 5 के टेबल में आता है, अगर वो 10 के टेबल में आता तो हम लोग 10 के टेबल से लेते थे। ओके 5 2 10, 5 के टेबल में 85 कब आता है? माइनस है तो एक माइनस भी लिखेंगे, 5 1 5 3 कैरी 5 7 35। सो एक बार चेक करते हैं 17 5 कितना होता है, 5 7 35, 3 कैरी 5 5 5 और 3 8। ओके 5 and 5 रिमेन कैंसिल, ऊपर बचा -7 रिमेनिंग नंबर और 1 बचा है और नीचे 2 बचा है, सो -17 2 इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। -150 -25। अब यहां पे कुछ जो है मजा आएगा, क्योंकि यहां पे दो माइनस है तो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि अब तक ही एक माइनस बच रहा था, क्योंकि एक ही माइनस था तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो वो हर वक्त आंसर में आ रहा था। बट अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंजेस आया, दोनों में माइनस दिया, सो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल। सो 150 और 25 कौन से टेबल में आते हैं? 25 आपको पता है 5 के टेबल में आता है। सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, ओके फॉर व्हाट यू आर वेटिंग, 5 5 25 ले लेते हैं हम लोग, और 5 के टेबल में 150 कब आता है? तो 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 और 0 5 0। ओके ऐसे डिवाइड करके देख लेना आप लोग। ओके 5 5 विल रिमेन कैंसिल, 30 and 30 and 5 आया, तो 30 और 5 कौन से सेम टेबल में आते हैं, 5 के 5 6 30, 5 1 5 5 कट, 6 upon 1 आया, दैट्स मीन 6। इजी है, थोड़ा ज्यादा फास्ट तो नहीं कर रहे हम लोग। ओके नहीं समझ में आया एक और बार बता देता हूं, 150 अपॉन 25 था, माइनस माइनस कट। अब 25 पता है 5 5 आता है, तो 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे, इन लोगों 150 अंदर लिखेंगे और 5 बाहर, डिवाइड किया तो आंसर आएगा आपका 30 ऊपर, सो 30 लिखेंगे। ओके अब 30 और 5 तो आपको पता है, इसके बाद में 5 6 30 और ये 5 1 5 5 कट, 6 upon 1। ओके आई होप आपको याद करके समझ में आया। अब हमारे बचे हैं कुछ 4 क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 तक के बहुत इजी था, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो 100 डिवाइडेड बाय 60 दिया गया है, सो 100 और 60 आप सभी को पता है किसके टेबल में आता है। ओके सो 100 और 60 दोनों भी किसके टेबल में आते हैं, 10 10 10 100 और 10 6 कितना होता है, 60। सो 10 10 कैंसिल, अब बचे 10 और 6, तो 10 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 2 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। ओके तो 2 2 विल रिमेन कैंसिल,
फाइव अपॉन थ्री। क्यों? इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है, माइनस यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया, तो आंसर में भी माइनस नहीं आएगा। अब यहाँ पे 9 दिया है और माइनस 54, ऊपर 9 नीचे माइनस 54। सो व्हाट वी विल डू, हमको पता है 9 9 के टेबल में आता है और 54 9 के ही टेबल में आता है, 9 6 जा, ओके 9 9 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस 1 नीचे हो गया 6। अब इसको 6 मत लिख देना क्योंकि ऊपर 1 है तो हमें वो 1 लिखना पड़ेगा। अब क्या दिया हुआ है, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया है यहां पे, ये डिवाइड है 78 डिवाइडेड बाय 65, ओके तो 78 डिवाइडेड बाय 65 देखते हैं हम लोग किसके टेबल में आता है। सो 65 आपको पता है कि 5 के टेबल में आता है, सो लेट्स टेक कब आता है, 5 1 जा 5 माइनस किए 1 आ गया, ये 5 आ गया तो 3 जा, ओके 7 3 5 3 जा 15, तो ये 13 जा हो गया, 5 13 जा 65। अब 78 देखते हैं कब आता है, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, और ये 5 के टेबल में नहीं आ रहे क्योंकि लास्ट में 8 है, ओके तो 0 और 8 जो है, 0 और 5 जो है वो आते हैं, तो 78 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे 13 के टेबल में देखेंगे, 13 के टेबल में 5 जा हो गया 65, 13 6 जा, 13 6 जा देखते हैं, 6 3 जा 18, 1 क्या है 6 में 6, 6 और 1 7, सो 13 के टेबल में आ रहा है, ओके सो हम लोग लेंगे 13 6 जा कितना हो रहा है 78, 13 13 कैंसिल, ऊपर बचा 6 नीचे बचा 5, ओके देखते हैं बराबर से साइन दी हुई है हमारी, ओके सो यहाँ पे हम लोगों को माइनस की साइन नहीं दी है। उसके बाद वाले में देखते हैं 9 और माइनस 54, तो यहाँ पे साइन आ गई, ओके इसको मैं नीचे लिखू ऊपर लिखू तो भी चलेगा, ओके ये नीचे था ना माइनस, वही मैं थोड़ा सा सोच रहा था मैंने क्या गलती कर दी, सो यहाँ पे नीचे माइनस दिया तो नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो इसको माइनस वन अपॉन सिक्स लिखेंगे तो भी चलेगा और माइनस वन अपॉन सिक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके और 78 और 65 में भी कुछ साइन नहीं दे रखी है तो वो ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ओके लास्ट वाला देखते हैं अभी हम लोग क्या दिया है, माइनस फाइव एंड माइनस 315, सो माइनस फाइव ऊपर माइनस 315 नीचे, अब माइनस माइनस कट हो गया, 5 वन जा 5, 5 के टेबल में 315 कब आता है, 5 6 जा 30 माइनस किए 1 आ गया ये 5 आ गया, 5 3 जा 15, सो 63 आ गया, 5 2 63, 5 5 कैंसिल, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 63। I hope आपको ये भी जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम जो है देखते हैं इसके बाद के सम जो इससे थोड़ा सा हटकर है और कुछ अलग है। Thank you so much. नंबर 2 देखते हैं दोस्तों क्या देकर रखा है। Write 3 division of integers such that the fractional form of each will be 24 upon 5. So, ऐसे नंबर लिखना है जिसको डिवाइड करने के बाद में आंसर जो है 24 upon 5 आने चाहिए। For example, 48 upon 10. अब इसको डिवाइड करो जो हम लोग इसके पहले कर रहे थे। अब 10 और ये जो है कौन सा सेम टेबल में आते हैं? तो 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 जा 10 और 2 into 24. 2 2 कट 24 अपॉन 5 आ गया इसका, बट ऐसा आप कब तक ये करोगे, कितना सोचोगे? तो मैंने सबसे इजी ट्रिक निकाली है आपको ये सिखाने के लिए। आपको इनको 3 चाहिए ना, तो हम लोग 3 या 4 5 जितने चाहिए उतने दे सकते हैं। क्या करेंगे 24 अपॉन 5 हम लोग कितने बार लिखेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार, ओके कितने बार 4 बार, टीचर को क्या चाहिए, ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने के बाद में 24 अपॉन 5 आए,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे जो है सिमिलर नंबर लगा देंगे। वन नहीं लगाना है, टू से स्टार्ट करना है। जैसे अभी मैंने बताया टू लगाएंगे, फिर थ्री लगाएंगे, फिर फोर लगाएंगे और फिर फाइव ही लगा देंगे। टीचर भी खुश हो जाएगी, टीचर ने मांगा है थ्री और हम लोग ने उनको चार आंसर दे दिए। चार आंसर, 24 टू जा 48, 5 टू जा 10, ओके नॉट 24 थ्री जा, 3 फोर जा 12, 1 क्या आ गई 3, 2 जा 6 प्लस 1 7, 5 थ्री जा 15, 4 फोर जा 16, 1 क्या आ गई 4 टू जा 8 प्लस 1 9 एंड 5 फोर जा 20। तो आप बताओ ये क्या आएगा। सो 24 5 जा करेंगे तो कितना बन जाएगा 120, है ना। 5 4 जा 20, 0 इधर 2 क्या है 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 5 5 जा 25। आ गया आपको ये, बट इसके अंदर यहाँ पे ऊपर भी माइनस नहीं दी है और नीचे भी माइनस नहीं दी है, तो हम लोग ने क्या किया उसको डायरेक्टली कर दिया। अगर इसके अंदर माइनस की साइन देती तो कैसे करते वो हम देखेंगे इसके बाद के समय। थैंक यू सो मच। इजी वाला तो हम लोग सीख गए, अब देखते हैं माइनस में जब दिया रहेगा तो क्या करना है। सो माइनस 5 अपॉन 7 का हम लोग को 3 डिविजनल मांगा है, सो हम लोग उसको 3 बार लिख देते हैं। ओके, 4 बार लिखना है तो 4 बार कर सकते हो। ओके, सो माइनस 5 अपॉन 7, माइनस 5 अपॉन 7 हम लोग ने लिख दिया। अब अपने को आंसर में माइनस चाहिए, क्यों, क्योंकि एक माइनस साइन है, तो हम लोग माइनस पहले से लगा देंगे ताकि हम लोग बाद में भूल ना जाए। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे फिर उसके अंदर माइनस की साइन लगाना भूल जाते हैं। मैंने क्या बोला आपको, 1 से मत करो, 2 से करना, पहले 2 फिर 3 फिर उसके बाद में आपको करना है 4 से। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, What about this? 7 4 za 28. तो आप इसको कट करके देखो, डिवाइड करके देखो, आपको माइनस 5 अपॉन 7 ही मिलेगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया है। अभी भी हमारी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, एक लास्ट की एक्टिविटी बाकी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है समझते हैं। द फिश इन द पॉन्ड बिलो कैरी सम नंबर्स, चूज एनी 4 पेयर एंड कैरी आउट 4 मल्टीप्लिकेशन विद दोज नंबर, नाउ चूज 4 अदर पेयर एंड कैरी आउट द डिवीजन विद दिस नंबर। सो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो आपको मल्टीप्लिकेशन का दिया है और दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है वो डिवाइड कर दिया है। सो पहले एग्जाम्पल में देखो मल्टीप्लाई किया है आपको, ये जो फिश पॉन्ड बनाई गई है, ये जो एक पॉन्ड है उसके अंदर कुछ फिश है जिसके ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं। सो वो नंबर हमें उठाना है और उस चीज़ को एक बार हम लोगों को 4 बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करना है और 4 बार जो है हम लोगों को डिवाइड फॉर्म करना है। सो माइनस 13 और माइनस 15 जो है देखो फिश के ऊपर नंबर लिखे गए हैं और उसी को मल्टीप्लाई करके आंसर आया। तो सिमिलरली ऐसे हम लोगों को 4 करने होंगे और उसके बाद में देखो माइनस 24 एक फ़िश पे लिखा है और 9 एक पे लिखा हुआ है, तो उसी चीज़ को हम लोगों को लेकर के डिवाइड दिखाया गया है ये एग्जांपल के अंदर। अब इसी तरीके से हम लोगों को डिवाइड के भी 4 बताने होंगे। सो आइए हम लोग जो है इसी के अंदर से सॉल्यूशन करते हैं, थोड़े अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे और 4 मल्टीप्लिकेशन के होंगे और 4 डिवीजन के होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का मतलब अगर हम लोग समझ गए हैं तो हम लोग जो है इजीली इसको कर सकते हैं। हम लोग ने एग्जांपल देखा। सो यहाँ पे फिश जो है कुछ वैल्यूज कैरी किए हैं, जैसे हम लोग ने पढ़ा माइनस 13, माइनस 27, माइनस 24, प्लस 9, प्लस 41, प्लस 12, प्लस 13, माइनस 37, माइनस 8, माइनस 28 एंड माइनस 18। तो हम लोग को क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 डिविजन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, सो हम लोग ऐसा करेंगे इसके अंदर से ऐसी वैल्यू लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन हमको आता है। मेरा बोलने का मतलब है छोटा नंबर लेंगे हम लोग,
ओके, जितना हो सके हम लोग छोटा नंबर लेंगे ताकि हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। सो 8 को हम लोग 12 से कर देते हैं। देखो 8 और 9 बहुत छोटे छोटे राइट, तो 8 और 9 के साथ में ही ले लो आप लोग, और जो बाकी के वो बहुत बड़े बड़े 41, 37 माइट बी मल्टीप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आई तो हम लोग का आंसर जो है रॉन्ग आ सकता है राइट। सो माइनस 8 जो है वो छोटा है और एक 9 जो है वो छोटा है। सो माइनस 9 और माइनस 8 वाला हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं कुछ नंबर से राइट। माइनस 8 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट, और 9 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 12 से। सो प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ओके। और वैसे माइनस 8 को भी तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 12 से राइट। और कौन सा कर सकते हैं हम लोग, माइनस 8 और प्लस 9 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर माइनस 8 और माइनस प्लस 9 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हो गए ओके। और माइनस 13 दे करके रखा है और ये प्लस 13 दे करके रखा है, वो एक छोटा नंबर है। सो इन्हीं को हम लोग ले लेते हैं ओके, माइनस 13 और प्लस 13। अब इनके आंसर लिखना आप लोग स्टार्ट करें। 9 8 72, 1 माइनस की साइन तो आंसर में भी माइनस। अब प्लस प्लस है तो साइन का प्रॉब्लम नहीं है। 9 into 12 कितना होता है, तो 9 2 18, 1 carry 9 1 9, 9 plus 1 10। यहाँ पे 1 भी माइनस की साइन नहीं है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा। अब 8 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 16, 1 carry 8 1 8 plus 1 9, 1 माइनस है तो आंसर में भी माइनस। So, 13 into 13 कितना होता है, 13 13 is 169, और 1 माइनस है इसके लिए आंसर में भी माइनस आएगा ओके। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया ओके। तो इन्हीं को जो है हम लोग जो है डिवाइड के लिए भी ले सकते हैं राइट। ऐसे नंबर जो है जो सेम सेम है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, हम लोगों को पता है ये दोनों जो है वो सेम टेबल में आते हैं, तो उन चीजों को हम लोग ले लेंगे डिवाइड के लिए। तो अब हम देखेंगे इसके बाद जो है डिवाइड का सम। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई के सम किए वैसे ही हम लोगों को डिवाइड के करना है, और आपको याद रहे कि हम लोगों को छोटी वैल्यू लेना है और ऐसी वैल्यू लेना है जिससे हमें मालूम है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं राइट। कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसे नंबर लीजिए जिससे आपको जो है कैलकुलेशन जो है इजी पड़े। सो 9 और 8 जो है हम लोगों को पता है ये छोटे नंबर है। सो 9 का कोई मल्टीपल देखो यहाँ पे कौन सा दे रखा है। सो 9 जो है 9 के टेबल में 18 आता है, तो हम लोग माइनस 18 ले लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 9 से, क्या है प्लस 9 और 18। सो 9 और 18 सेम टेबल में आते हैं, 9 1 9, 9 2 18, ऊपर माइनस इसके लिए माइनस ओके। सो 9 9 कैंसिल, आंसर कितना आ गया -2/1, 1, इसका मतलब -2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 9 का और कोई है क्या, देखो जरा इसके अंदर 9 के टेबल में 27 आता है, तो हम लोग 27 को भी टारगेट कर सकते हैं। -27 वाली फिश और +9 वाली फिश जो है वो डिवाइड हो रही है। अब 1 माइनस है इसका मतलब आंसर में भी माइनस आएगा। 9 के टेबल में 27 आता है, यस 9 3 27 और 9 1 9, 1 माइनस की साइन दे तो वो भी आएगी, 9 9 कैंसिल, ऊपर 3 बचा नीचे 1 और ये माइनस, सो -3 ओके। चलो अभी 9 का तो जो है काम हो गया। व्हाट अबाउट अदर नंबर, 8 ने हम लोगों को देखा था, हम लोगों ने किसको देखा था, 8 वाली फिश को। तो ये माइनस 8 है, और 8 का कोई डिवाइड है क्या, 8 का जो 24 वाला है वो क्वेश्चन में ही कर चुका है ओके। सो 8 को हम लोग 12 के साथ में ले सकते हैं ओके। सो माइनस 8 है और कौन सा है, प्लस 12 राइट। 8 और 12 कौन से टेबल में आते हैं, 8 और 12 जो है वो 4 के टेबल में आते हैं राइट। 4 2 8, 4 3 12, और नीचे प्लस है तो उसको छोड़ दो चलेगा, बट ऊपर माइनस है, 4 4 कैंसिल, -2/3। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अभी ऐसी एक ऐसी ही छोटी वैल्यू लेना है, और कौन सी ले सकते हैं।
थ्री माइनस थर्टीन, और हम लोग ने थर्टीन भी देखा था राइट। सो माइनस थर्टीन लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं प्लस थर्टीन से। अब ये दोनों तो सेम है तो क्या करें, माइनस थर्टीन वन जा थर्टीन और ये थर्टीन वन जा, तो थर्टीन थर्टीन तो कैंसल हो गया, तो माइनस वन अपॉन वन बचा, दैट इज माइनस वन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग जो है बाकी की भी चैप्टर जो है सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कीप सपोर्टिंग अस एंड डू लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी सम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग।